गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल राजा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में कितने प्रकार के एटीएम हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सबसे बेस्ट एटीएम हमारे लिए कौन सा होगा और हम दोस्तों इसको किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन या कितने प्रकार से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बारीकी से हर एक एटीएम के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप कितने प्रकार के एटीएम होते हैं, उन सब की जानकारी भी बताऊँगा कि आप कितने कौन से एटीएम से कितने रुपए विड्रॉल कर सकते हैं, इसमें क्या क्या आपको फीचर्स दिए जाते हैं, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बारीकी से बता देते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला डेबिट कार्ड है वह है रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यह डेबिट कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पीएनबी का लोगो लगा हुआ होता है और रुपए डेबिट कार्ड यह होता है। तो दोस्तों, अब हम इसकी सारी को डिटेल आपके सामने बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डोमेस्टिक यूज़ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग डिस्प्ले पर देख ही पा रहे होंगे। और यहाँ पर रुपये विड्रॉल करने की बात करूँ तो यहाँ पर 50,000 रुपये आप डेली का यहाँ पर एटीएम से रुपये निकाल सकते हैं। वहीं पर डे POS ईकॉम कॉम्बिनेशन लिमिट आपकी 1,25,000 रुपये है, यानी कि आप शॉपिंग करते हैं या POS मशीन से स्वाइप करके भी आप अपना ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप 1,25,000 रुपये डेली का कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी वैलिडिटी की बात करें तो यहाँ आपको 7 साल के लिए है डेबिट कार्ड मिलता है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो 7 साल तक आपका यह डेबिट कार्ड वैलिड रहेगा। तो साथ में इसमें एक्सीडेंटल डेट कवर भी होता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर 10 लाख अवेलेबल फॉर एक्टिव कार्ड। अगर आपके पास एक्टिव कार्ड है और 10 लाख रुपए तक का आपको एक्सीडेंटल यहाँ पर डेट कवर भी मिल जाता है इसमें। वहीं पर इसमें फीस की बात करें तो इंश्योरेंस के आपको यहाँ पर 250 रुपये प्लस टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं, तो आसानी से आपको एक कार्ड मिल जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो हमारा डेबिट कार्ड आ जाता है वह होता है वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड। तो आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं कितनी गजब की यहाँ पर इसमें लुक देखने को मिल जाती है। यहाँ पर PNB के लोगों को साथ साथ आपको वीजा सिग्नेचर भी यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है। दोस्तों, खासकर यह है आपको ई कॉमर्स चैनल के लिए बनाया जाता है, यानी कि कुछ परचेस करने के लिए है कार्ड स्पेशली बनाया हुआ है, तो आप इसको चाहें तो इसको एक्वायर कर सकते हैं। इस कार्ड की बात करें तो दोस्तों, यह ग्लोबली चलता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में यह कार्ड आपको चल जाएगा, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। दोस्तों, जो हमारा थर्ड डेबिट कार्ड आ जाता है वह होता है वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितनी गजब की लुक इसमें आपको देखने को मिल जाती है और यह इंटरनेशनली आप यूज़ कर सकते हैं। खासकर यह ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बनाया गया है, POS मशीन के लिए बनाया गया है, जिसमें कि आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए इत्यादि के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और कैश भी इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी बात करें तो दोस्तों, आपको यहां पर 200 कंट्री में यह आपको चलता हुआ मिल जाएगा, आप आसानी से कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। साथियों, अब हमारा 5 नंबर पर एक कार्ड आ जाता है रुपये NCMC क्लासिक डेबिट कार्ड। तो आप लोग देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार से डेबिट कार्ड मिल जाता है, मैंने आपको इसका वीडियो भी बना के दिया हुआ है। जो आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें भी आपको यह कार्ड दिया जाता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लासिक डेबिट कार्ड यह होता है। तो दोस्तों, आप डोमेस्टिक यूज ही कर सकते हैं, इसको इंटरनेशनली यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले पर। वहीं पर दोस्तों, अगर ATM से विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पर आप 25,000 रुपये डेली का निकाल सकते हैं। वहीं पर ई कॉमर्स और POS मशीन के लिए आप इसमें 60,000 रुपये डेली का खर्च कर सकते हैं साथ ही साथ इसकी वैलिडिटी यहाँ पर 7 साल की होती है। इसमें आपको इसमें एक्सीडेंटल डेट कवर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं गजब का यह कार्ड है, तो आप बनवाना चाहे तो इसको भी बनवा सकते हैं। साथियों, वहीं पर हमारा लास्ट कार्ड आ जाता है, जो कि वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है। इसको दोस्तों, हम PNB बन के थ्रू आसानी से बना सकते हैं। यह ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन और मर्चेंट साइट के लिए यह खासकर बनाया गया है। जैसे कि हमें कोई भी सामान परचेस करना पड़ता है अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो आप इसको ऐड करके सिंपली से अपना पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर कैशबैक भी आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसको कितने प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप SMS के थ्रू भी डेबिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैसेज बॉक्स में जाना है और DEBCARD लिखना है। उसके बाद दोस्तों, आपको 16 डिजिट का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल देना है, उस तो आपका ATM कार्ड अप्लाई हो जाएगा, तो आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं आने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, आप PNB बन के थ्रू भी अपना डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो आप यहाँ पर ऑफलाइन ब्रांच जाकर भी अपना ATM कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी वेरिएंट आपको चाहिए तो उसमें लिख के दे देना है आपको एक एप्लीकेशन कि हमें यह वेरिएंट चाहिए, तो वही कार्ड आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो सिंपली से आप आसानी से ऑनलाइन भी अपना डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों वहीं पर यहाँ पर बेस्ट डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड डेबिट कार्ड जो आपका वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड होता है वह सबसे बेस्ट माना जाता है, जो कि हाईली कैश विड्रॉल के लिए बनाया जाता है और आप इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, इसमें 50,000 रुपये डेली का निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा डेबिट कार्ड सबसे अच्छा लगता है। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए टेक केयर।